दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 जुलाई 2022, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीबी लाइव की व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी समेत 5 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है तथा लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। यह खबर के अनुसार पटना में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है, जबकि राज्य के और कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। आपको बता दूं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से मानसून की बारिश नहीं हो रही है, जिससे बिहार के कई जिलों में तापमान में वृद्धि हो रही है और लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन आज पटना तथा उसके आसपास के इलाकों में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबूंदी हो सकती है। जब मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में फिलहाल मानसून की गति बहुत कमजोर है, लेकिन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में गरज के साथ बारिश हो सकती है। लोगों से खराब मौसम के दौरान घर में रहने की अपील की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में नगर निगम का चुनाव जल्द कराया जाएगा। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। बहुत जल्द इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दिया जा सकता है। खबर के अनुसार बिहार निर्वाचन आयोग फिलहाल वोटिंग लिस्ट और पोलिंग बूथों का निर्धारण करने में जुटा हुआ है। 29 अगस्त तक पोलिंग बूथों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके बाद चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग 19 जुलाई को बूथों की लिस्ट प्रकाशित करेगा, फिर इस पर लोगों से आपत्ति मांगी जाएगी। इसके बाद 6 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा और फिर 29 अगस्त को इसका फाइनल लिस्ट जारी होगा। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के 9 नगर निकायों के वार्ड परिसरण का फॉर्मेट का प्रकाशन भी 19 जुलाई को कर दिया जाएगा। इसको लेकर के तैयारी अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस साल 1000 वोटर पर पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, नालंदा, नवादा, बांका समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। खबर के अनुसार तेल कंपनियां हर दिन सुबह के समय पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी करती है, जिसके कारण हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आज भागलपुर में पेट्रोल 46 पैसे और डीजल 43 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं पटना में आज पेट्रोल 64 पैसे और डीजल 34 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। जब बक्सर, दरभंगा, खगड़िया, मधुबनी, समस्तीपुर में भी कल के मुकाबले आज पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, वहीं अन्य शहरों में इसके दाम स्थिर नजर आ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, बेगूसराय समेत सभी शहरों में अब मात्र 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। जी हां, खबर के अनुसार गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 501 एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। आपको बता दूं कि बिहार में जल्द ही रहने वाले सभी लोगों को 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। जब बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि बिहार के सभी शहरों में मात्र 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में मात्र 35 मिनट के अंदर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने सभी प्रखंडों में एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट उसे एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सुविधा के साथ साथ वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर और कार्डियक मॉनिटर, सेंट्रल वेन कैथेटर की सुविधा रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की टेंशन बढ़ने लगी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार की पटना, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया में कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। खबर के अनुसार बिहार के पटना में सबसे अधिक कोरोना के 186 नए मरीज मिले हैं, जबकि भागलपुर में कोरोना के 25 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं खगड़िया में 16 और पूर्णिया में कोरोना के 15 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। जी हां, आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर कुल 1,23,406
सैंपलों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें कोरोना के 343 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के हो गई है 1576। इसमें सबसे ज्यादा 904 सक्रिय मामले अकेले पटना से ही हैं। जानकारों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह कोरोना की ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और फिर घर से निकलने के दौरान अनिवार्य रूप से मास्क लगानी चाहिए, ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर स्मार्ट सिटी में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जब पदों के विवरण के बारे में बात करें तो भागलपुर स्मार्ट सिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के एक पद, मैनेजर आईटी के एक पद, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के एक पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के एक पद पर भर्ती को लेकर के आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों में योग्यता के बारे में बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार स्नातक, बीटेक, बी, एमबीए, एमसीए आदि निर्धारित किया गया है। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नोटिस को देख लें। आवेदन की तिथि के बारे में बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। आवेदन करने के लिए आप https://www.smartcitybhagalpur.org/ पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर और नालंदा समेत सभी जिलों के मुखिया सरपंच को अपने संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देना होगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार बिहार में मंत्री और विधायकों की तरह सभी मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, जिला पार्षद सदस्य समेत सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य हो गया है। इसको लेकर के सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आपको बता दो कि विभाग ने सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी करते हुए कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कट ऑफ डेट मान करके सभी प्रतिनिधियों के चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। मिली जानकारी के अनुसार अगर कोई पंचायत जनप्रतिनिधि अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो फिर उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, गया, यानी कि बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले लोग अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर सरकार से लोन लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ग्रामीण से लेकर के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को लोन दिया जाता है। खबर के अनुसार दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत खुद का व्यापार शुरू करने के लिए आप नज़दीकी बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको 2 लाख रुपये तक लोन मिल सकता है। वहीं शहरी गरीबों को जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं उसे 10 लाख रुपए का लोन आसानी से मिल सकता है। आपको बता दूं कि इस योजना के तहत देश भर में 5 से 10 लाख युवाओं ने लोन लेकर के बिजनेस शुरू किया है। इसलिए अगर आप भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आवेदन करने के लिए दस्तावेज के बारे में बात करें तो आधार कार्ड, आवेदन का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता और आवेदक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में हाईवे किनारे ढाबा खोलने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जाएगा। आप सरकारी अनुदान लेकर के हाईवे किनारे अपना ढाबा खोल सकते हैं। खबर के अनुसार सरकार ढाबा खोलने के लिए 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपये तक की अनुदान देती है। इसको लेकर के हाईवे और रूट का चयन कर लिया गया है। जी हाँ, आप उसी चयनित रूट पर सरकार से अनुदान लेकर के खुद का ढाबा खोल सकते हैं। आपको बता दूं कि सरकार का बिहार में 150 लग्जरी ढाबे खोलने का प्लान है। इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। इसके लिए 23 हाईवे सड़कों को चिन्हित भी कर लिया गया है। जब बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया और किशनगंज रूट पर 18 ढाबे खोले जाएंगे। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और कुशीनगर से जोड़ने वाली सड़क पर 40 प्रीमियम और 60 ढाबे खोले जाएंगे। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। भागलपुर, बांका, जमुई, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज रूट पर 11 और मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज रूट पर 12 ढाबे खोले जाएंगे। आप सरकारी अनुदान लेकर के इस ढाबे को खोल सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय रेलवे ने कांवड़ियों को बड़ी राहत देते हुए श्रावणी मेले स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसको लेकर कि रेलवे के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। अगर आप दर्शन करने के लिए देवघर जाना चाहते हैं तो फिर आप इन ट्रेनों से सफर कर सकते हैं। खबर के अनुसार रेलवे ने श्रावणी मेले के लिए गया जसीडीह पटना जसीडीह पटना आसनसोल और रक्सौल भागलपुर के मध्य यानी कि बीच श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन ट्रेनों का सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बिहार के भागलपुर पूर्णिया सहरसा वाल्मीकि नगर से जल्द ही विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को भागलपुर सहरसा वीरपुर यानी कि सुपौल जिला किशनगंज और वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है वहां पर छोटे हवाई अड्डों का सक्रिय करने का प्रस्ताव दिया है। वहीं बिहार के पूर्णिया जिला में एरोड्रोम विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार बिहार के इन शहरों में एयरपोर्ट को उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना की तर्ज पर विकसित कर सकती है। फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से इन जिलों को हवाई संपर्क से जोड़ सकती है। दरअसल बिहार सरकार बिहार में क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और फिर निवेश को आकर्षित करने के लिए बिहार में हवाई संपर्क को बढ़ावाना चाहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। वही खाड़ी देशों के अलावा गया एयरपोर्ट से बैंकॉक थाईलैंड वियतनाम और सिंगापुर के लिए विमान सेवा शुरू करने का भी दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव के हालात में सुधार होता दिख रहा है। जब 3 दिन बाद उन्होंने गुरुवार को खिचड़ी भी खाई है। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बेहतर की ओर है। जब वे सघन चिकित्सीय निगरानी में लालू प्रसाद को बुधवार की रात एयर एम्बुलेंस से पटना से नई दिल्ली ले जाया गया था। जब गुरुवार को दिन भर उनकी तरह तरह की जाँच की गई, उन्होंने परिवार वालों से बातचीत भी की। 1-2 दिनों में उन्हें सामान्य वार्ड में लाया जा सकता है। जब कल यानी कि शुक्रवार की सुबह वे उठ करके कुर्सी पर बैठे, लालू की बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने लालू प्रसाद यादव की मुस्कुराती हुई तस्वीरें भी शेयर की है। हालांकि लालू प्रसाद यादव अभी भी डॉक्टर की निगरानी में है। यह खबर लालू प्रसाद यादव के समर्थकों के लिए किसी भी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बेहतरी की ओर है। उन्होंने सभी शुभचिंतकों समर्थकों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे किसी भी भ्रामक खबर से चिंतित न हो। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके पिता की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, उनका विल पावर मजबूत है, क्योंकि फ्रैक्चर है इसलिए उन्हें परेशानी है। हालांकि उनकी तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि नकली नोट मामले में 2 साल से फरार चल रहे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब गुरुवार को मुजफ्फरपुर से वांटेड तस्कर सुधीर कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। जब सुधीर कई वर्षों से फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस उसकी खोज में जुटी थी। वांटेड होने के बावजूद भी देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी सक्रियता के कारण वह पुलिस की रडार पर था। NIA ने उस पर 2 लाख रुपये का इनाम रखा था। जानकारी के मुताबिक वांटेड तस्कर सुधीर कुशवाहा भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त रहा है। जब नकली नोट के जरिए उसने कई गैर कानूनी काम को अंजाम दिया है। देश विरोधी संगठनों से भी उसके तार जुड़ रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई हिस्सों में इन दिनों नैरोबी फ्लाई यानी कि एसिड फ्लाई कहर बरपा रही है। जहां इस मक्खी से उत्तर बंगाल और सिक्किम में सैकड़ों लोग संक्रमित है। जहां बिहार के किशनगंज से सटे पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी इस मक्खी के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में अब किशनगंज जिला में भी इस मक्खी का प्रभाव आने से लोग डरे और सहमे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि ये मक्खी काफ़ी जहरीला है और जिस जगह पर यह बैठती है वह जगह भी जहरीला हो जाता है। चींटी की तरह दिखने वाला ये कीड़ा काफ़ी जहरीला है। इस एसिड फ्लाई के कारण किशनगंज जिला का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। निदेशक MGM मेडिकल कॉलेज डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि जिला प्रशासन को जांच करवानी चाहिए कि ये मक्खी किस कदर बंगाल से किशनगंज की ओर बढ़ रही है। जिला प्रशासन को इसे लेकर के तुरंत केंद्र और राज्य सरकार को त्राहिमाम संदेश भेजने की जरूरत है। किशनगंज जिले के सीमावर्ती पश्चिम बंगाल राज्य में नैरोबी मक्खी ने आक्रमक कर दिया है। 7,000 किलोमीटर दूर पूर्वी अफ्रीका की ये जहरीली मक्खी सिक्किम के रास्ते उत्तर बंगाल में प्रवेश कर चुकी है और इसके फैलने की रफ्तार बहुत तेज है। ऐसी आशंका है कि सिलीगुड़ी के बिल्कुल नजदीक बिहार के किशनगंज जिले में भी इसका बड़ा हमला शुरू हो सकता है। इस मक्खी के काटने से व्यक्ति की त्वचा में खुजली और जले से चकते हो जाते हैं। ये आफत इतनी जहरीली है कि यदि इस मक्खी का जहर मनुष्य की त्वचा पर लगता है तो फिर सबसे पहले वहां जलन और
खुजली होने लगती है। यदि गलती से आंखों के पास ये मक्खी काट ले तो फिर इसका एसिडिक जहर पीड़ित को कुछ दिनों के लिए अंधेपन का शिकार बना देता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, साथ ही आसपास के जंगलों पर कीटनाशक छिड़काव करने की भी आवश्यकता है। दोस्तों बात करते हैं कि विदेशों में पढ़ाई करना ज़्यादातर भारतीय स्टूडेंट का सपना होता है, क्योंकि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए काफ़ी खर्च होता है जिसे पूरा कर पाना हर माँ बाप के लिए संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जिनकी प्रतिभा देश विदेश तक पहुंच जाती है। एक ऐसे ही प्रतिभाशाली स्टूडेंट की सच्ची कहानी सामने आई है। जब बिहार के छोटे से गाँव गोनपुरा के दिहाड़ी मजदूर के बेटे प्रेम कुमार को अमेरिका के प्रतिष्ठित लाफएट कॉलेज द्वारा 2.5 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। जब प्रेम कुमार को अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के लिए 2.5 करोड़ का रुपए का स्कॉलरशिप दिया गया है। प्रेम भारत के पहले दलित छात्र हैं जिन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। जहां लाफएट कॉलेज अमेरिका के टॉप 25 कॉलेजों में से एक है। प्रेम अपने परिवार के पहले सदस्य होंगे जो कॉलेज जाएंगे, जहां अभी वे स्वशिक्षित समाधान केंद्र में 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। जहां अमेरिका में प्रेम 4 साल मैकेनिकल इंजीनियर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करेंगे। जहां इस स्कॉलरशिप के अंदर पढ़ाई से लेकर के रहने खाने, ट्यूशन फीस, स्वास्थ्य बीमा, आने जाने का पूरा खर्च कवर दिया गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर के टोटल 6 छात्रों को ही ये स्कॉलरशिप मिली है। इस स्कॉलरशिप का नाम डैड फेलोशिप है। इसके तहत फेलोशिप उन चुनिंदा छात्रों को दी जाती है कि जिनमें दुनिया की कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान निकलने के लिए आंतरिक प्रेरणा एवं प्रतिबद्धता हो। जहाँ उनमें से एक नाम बिहार के प्रेम का भी है। प्रेम को राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल द्वारा पहचान दिया गया है, जहाँ और उन्हें डेक्सटेरिटी द्वारा ट्रेड किया गया है। डेक्सटेरिटी ग्लोबल एक संस्थान है जो दलित बच्चों के लिए काम करती है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये स्कॉलरशिप इस दलित स्टूडेंट को कैसे मिला, तो आपको बता दूं कि डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक ने कहा है कि साल 2013 से हमने बिहार में महादलित बच्चों पर काम शुरू किया। जहां इस समुदाय के छात्रों के जरिए अगले पीढ़ी के लिए लीडरशिप तैयार करना है। जब प्रेम ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मेरे माता पिता कभी स्कूल नहीं जा सके, मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। दोस्तों बात करते हैं कि साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल की 5 सीटों पर कब्जा करके RGD के MY समीकरण को बड़ा झटका दिया था। AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जड़ भी मजबूत कर ली थी, जिसके बाद RGD ने बीते दिनों AIMIM के 4 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करके न सिर्फ AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका दिया है, बल्कि AIMIM को बिहार के राजनीति में जड़ से उखाड़ फेंका है। जहां AIMIM के 4 विधायकों के RGD में शामिल होने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। जब विधायकों ने पार्टी छोड़ने का सारा ठिकरा AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को दिया था, जबकि AIMIM के विधायक कमरुल हुदा ने तो पार्टी का पोल खोल करके नया विवाद खड़ा कर दिया। AIMIM के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, जो सीमांचल के गांधी स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन का राजनीतिक शिष्य हैं, अख्तरुल ईमान ने RGD से इस्तीफा देने के बाद 2015 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बिहार में लाया था। 2019 में बिहार विधानसभा उपचुनाव में किशनगंज सीट पर AIMIM के उम्मीदवार कमरुल हुदा ने पहली बार खाता खोला। उसके बाद 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल के 5 सीटों पर कब्जा किया। जदयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा है कि जैसे करनी वैसी भरनी। जिस प्रकार अख्तरुल ईमान ने लोकसभा चुनाव में जदयू को धोखा दिया था, उसी के 4 विधायकों ने उसे रिटर्न गिफ्ट के तौर पर दिया है, जिसके जवाब में अख्तरुल ईमान ने कहा है कि भाजपा को जीत से रोकने के लिए ऐसा कदम लोगों के हित के लिए उठाना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया पर चलने वाले आपत्तिजनक कंटेंट के खिलाफ अब आसानी से शिकायत की जा सकेगी। जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय इस शिकायत के लिए गिरिवास अपीलेट कमेटी बनाने जा रहा है। जब पिछले महीने इस संबंध में मंत्रालय ने मसौदा जारी किया था और 1 माह तक इस मसौदे पर राय देने के लिए कहा गया था। 6 जुलाई राय देने की अंतिम तारीख थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की दिशा में स्वर्गीय नियम पहला कदम है। जब सोशल मीडिया को जवाबदेह बनाने की दिशा में बढ़ा रहे दुनिया के अधिकांश देश को लेकर के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि समाज के लिए नुकसानदेह सामग्री को हटाना चाहिए। 1 माह के भीतर अपीलेट कमेटी के गठन होने की उम्मीद है। इस अपीलेट कमेटी के गठन करने का उद्देश्य यह है कि शिकायतकर्ता या प्रभावित नागरिक सोशल मीडिया की तरफ से आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर के उचित कार्रवाई नहीं करने पर उनके खिलाफ अपील कर सकेंगे। 30 दिन के भीतर अपीलेट कमेटी उस शिकायत का निराकरण करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति की ओर से एक सुझाव जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि देश में लोगों के काम करने की उम्र सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। इसके साथ ही पीएम की आर्थिक सलाहकार समिति ने कहा है कि देश में रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ ही यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम भी शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए समिति ने अपना प्रस्ताव भी भेजा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुझाव के तहत कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रुपये का पेंशन दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि आर्थिक सलाहकार समिति ने देश में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए बेहतर व्यवस्था करने की सिफारिश की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, जब महंगाई भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। इसलिए अगर ईंधन के दाम में 2 रुपये की भी कमी की जाए तो भी आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। इस बीच केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है, जहाँ देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल को खत्म कर दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा है कि अब विदर्भ में बने बायो एथेनॉल का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जा रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन को कुएं के पानी से बनाया जा सकता है और 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 5 साल में देश से पेट्रोल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ गेहूं चावल मक्का लगाने से कोई किसान अपने भविष्य नहीं बदल सकता है। नितिन गडकरी ने कहा है कि किसानों को कर्जदाता बनने की जरूरत है, न कि सिर्फ खाद प्रदाता। नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल पर एक फैसले से देश को 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। निकट भविष्य में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ग्रीन हाइड्रोजन एथेनॉल और CNG पर आधारित होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मधेपुरा जिला में RJD नेता और पूर्व मुखिया के घर पर डकैती की घटना हुई है, जहां घर वालों को बंधक बनाकर के लुटेरों ने लाखों रुपए मूल्य के आभूषण और कैश लूट लिया। 7 से 8 की संख्या में आए डकैतों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि डकैतों ने बड़ी मात्रा में जेवर और कैश लूट लिए। डकैती की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और फिर मामले की छानबीन में जुट गई। वहीं मामले को सुलझाने में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की भी मदद ली जा रही है। डकैती की यह घटना मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 में पूर्व मुखिया और RJD नेता अरविंद यादव के घर पर बीती रात हुई है। बताया जाता है कि करीब 7 से 8 की संख्या में आए डकैतों ने घर में मौजूद गृह स्वामी के रिश्तेदारों को बंधक बना लिया और फिर इस लूट की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने 15 से 20 लाख रुपए की जेवरात और कैश लूटने में सफल रहे। डकैती की सूचना पाकर के मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जायजा लिया और फॉरेंसिक की टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड की टीम को भी मौके पर बुलाने की बात कही। दोस्तों बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर जारी होते ही पूरे देश में विरोध और समर्थन की आपाधापी ने माहौल गर्म कर दिया है। पोस्टर के कंटेंट का हिंदू संगठन और आम लोग विरोध कर रहे हैं। इस फिल्म की निर्माता और निर्देशक लीना मनी मेकलाई के खिलाफ गुरुवार को गोपालगंज यानी कि बिहार के गोपालगंज के मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। दायर मुकदमे में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप फिल्म के निर्माता और निर्देशक पर भी लगाया गया है। लोगों के दिमाग में ये सवाल कौंध रहा है कि इस फिल्म के पोस्टर में आखिर है क्या जिसने हंगामा खड़ा कर दिया। तो बात करते हैं कि बिहार के गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के अधिवक्ता नगर वार्ड नंबर 14 के निवासी की तथा पेशे से अधिवक्ता मनीष किशोर नारायण ने CGM के न्यायालय में दायर वाद में आरोप लगाया है कि काली फिल्म की निर्माता और निर्देशक प्रारंभ से ही यानी कि शुरू से ही विवादित फिल्म और पोस्टर बनाती रही है। उन्होंने वाद में आरोप लगाया है कि निर्माता और निर्देशक लीना मनिकेलाई ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है जिसका नाम काली है। जब बीते 4 जुलाई को इस फिल्म का पोस्टर जारी किया गया जो इंटरनेट मीडिया पर मौजूद है। आपको बता दूं कि इस काली फिल्म के पोस्टर में काली को सिगरेट पीते हुए दिखाई दिया गया है, जिसकी वजह से यह हंगामा बरपा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भाजपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जहां वह नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रही है। इसके बावजूद भी विधायक ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपनी जान को खतरा लग रहा है, खास करके महिला विधायक को। अब परिहार विधायक गायत्री देवी ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार के साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूं। जब विधायक ने अपने थानेदार से ही जान को खतरा बताया है, हालांकि इस आरोप पर अभी आरोपित थानेदार का पक्ष नहीं मिल सका है। जनप्रतिनिधि का इस तरह से चिंतित होना
सवाल पैदा करता है। यदि वही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र के अंदोली गांव में गुरुवार को कुछ लोगों ने विधायक गायत्री देवी और पूर्व विधायक राम नरेश यादव के भतीजे मनीष कुमार की पिटाई कर दी, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। जब मनीष की पिटाई की सूचना पर उसके गाँव से कुछ लोग आए और उन लोगों ने भी हमलावरों से मारपीट की। घटना के बाद विधायक गायत्री देवी और पूर्व विधायक राम नरेश यादव परिवार थानाध्यक्ष पंकज कुमार पर आग बबूला हो गए। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अगली खबर मुजफ्फरपुर जिला से है, जहां सैलरी लौटाने वाले नितेश्वर सिंह कॉलेज के चर्चित प्रोफेसर ललन सिंह ने लिखित माफ़ी मांग ली है। जब कॉलेज में पढ़ाई ना होने का आरोप लगाते हुए 24 लाख रुपए लौटाने वाले प्रोफेसर ने कहा है कि उन्होंने भावनाओं में बह करके ये कदम उठा लिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये गलत फैसला था। इस माफीनामे में प्रोफेसर ललन सिंह ने लिखा है कि 6 बार प्रयास के बावजूद भी ट्रांसफर नहीं होने पर उन्होंने भावेश में फैसला लिया था। जब प्रोफेसर ललन ने कहा है कि उनकी मनसा कॉलेज की छवि को खराब करने की नहीं थी, और उन्होंने कहा कि कॉलेज के अन्य साथियों से बातचीत के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये मैंने गलत कर दिया। जब प्रोफेसर ललन ने वादा किया है कि वे भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। इस माफीनामे को लेकर के प्रिंसिपल डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि किसी के दबाव में माफीनामा नहीं सौंपा है, बल्कि उन्हें यह समझ आ गया है कि उन्होंने जो लिखा जो किया वह गलत है। वे मानसिक रूप से काफी परेशान थे, इसलिए उन्होंने 2 दिनों की छुट्टी ली है। वहीं इस पूरे मामले पर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर आर के ठाकुर ने बताया है कि उन्होंने माफीनामा भेजा है और इस मामले पर उनसे बात करेंगे। वही रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। हालांकि कुल सचिव ने बताया है कि अगर जरूरत हुई तो फिर उनका सही जगह ट्रांसफर भी कर देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि GST लागू होने के साथ ही खाने पीने की सामग्री की कीमत बढ़ जाएगी। आटा चावल समेत अन्य सभी खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ जाएगी। खाने पीने की जो भी सामग्री खुले में बिकती है उसकी भी कीमतें बढ़ जाएगी। जब व्यवसायियों का कहना है कि पैकेट बंद ब्रांडेड और खुले में बिकने वाली सामग्री की कीमत एक हो जाएगी। जब बिहार खुदरा विक्रेता संघ के सदस्य के अनुसार चावल और दालों की कीमतें 5 रुपये प्रति किलो तक बढ़ सकती है, इससे गरीबों के सामने 2 जून की दाल रोटी की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उनका कहना है कि 18 जुलाई को जैसे ही GST के नए प्रावधान लागू होंगे, बिहार में गेहूं चावल मैदा आटा बहुत महंगे हो जाएंगे। बीते 28 और 29 जून को हुई GST काउंसिलिंग की बैठक के बाद से ही खुले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 50 पैसे से 2 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि अभी वे प्रावधान लागू नहीं हुए हैं। बिहार खुदरा विक्रेता महासंघ के महासचिव रमेश तलरेजा का कहना है कि अभी कौन सी खाद्य पदार्थों की कीमत कितनी होगी यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन खाने पीने की सामग्री पर मूल्य जरूर बढ़ेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ब्रांडेड की तरह अनाज और उनसे बने खाद्य पदार्थों की खुदरा बिक्री को GST के दायरे से बाहर रखा जाए, ताकि निम्न मध्यम वर्ग को राहत मिल सके। संघ के सदस्यों का कहना है कि यह बढ़ोतरी तब हुई है जब बिहार के लोगों की औसत कमाई घटी है और बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम होने से ग्रामीण बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में खाना महंगा होने का सीधा सा असर आम लोगों पर ही पड़ेगा। जब सरकार ने लस्सी छाछ दही और पनीर को भी GST में लाने का फैसला किया है, जिससे दाम और बढ़ जाएगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि खुले खाद्य पदार्थों में GST की दर क्या होगी, या 5 से 18% के बीच जो भी GST दर लागू होगी उसका सीधा सा असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। या सरकार के इस फैसले से कारोबारी भी बेहद चिंतित है। कारोबारियों का मानना है कि इससे लोगों की क्रय शक्ति कम होगी और छोटे दुकानदारों के सामने दुकान को बचाने रखने की चुनौती होगी। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन में सफर करने के दौरान TTE हर डिब्बे में आकर के यात्रियों की टिकट चेक करता है। जिनके पास टिकट नहीं होती है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। हालांकि कई पैसेंजर ऐसे होते हैं जो TTE से बहस करने लग जाते हैं, कई बार तो नौबत हाथापाई तक आ जाती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रेन में एक बुजुर्ग TTE को GRP के एक SI ने बुरी तरीके से पीट डाला। अच्छा, TTE ने पुलिस वाले के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मामला भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का है। बताया जा रहा है कि भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में TTE दिनेश कुमार सिंह दानापुर बार रेल खंड के बीच बख्तियारपुर में ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान उस बुजुर्ग TTE को GRP के एक SI ने बुरी तरीके से पीट डाला। TTE दिनेश कुमार सिंह ने बार थाने में GRP SI सुनील कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि उनकी ड्यूटी भागलपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में C1 को
कोच के एसी चेयर कार में थी। टीटीई दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि जब वे कोच में ड्यूटी कर रहे थे तो उन्होंने जेआरपीएसआई सुनील कुमार से पूछा है कि ये आपका सीट है, ये सवाल पूछा, यदि आपकी सीट नहीं है तो फिर जिन लोगों का ये सीट है उनके आने पर आप दूसरे बोगी में चले जाइएगा। इतना सुनते ही एसआई सुनील कुमार और उसके साथ ही उन्हें बुरी तरीके से गुस्सा हो गए और फिर बुजुर्ग टीटी को पीटने लगे। जब कोच में बैठी महिलाओं ने बीच बचाव करके टीटी को बचाया। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के राजीव नगर मामले को लेकर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की लड़ाई अब भी जारी है। पप्पू यादव ने कहा है कि जिन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया है उनके लिए उप मुख्यमंत्री मुआवजा की घोषणा करे। उन्होंने कहा है कि 14 तारीख को अगली सुनवाई के दिन हमारे भी वकील मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं हाईकोर्ट से आग्रह करूँगा कि पिछले 25 सालों से जिन CEO दारोगा सहित जितने भी कर्मचारी की पोस्टिंग थी उनकी संपत्ति की जाँच की जाए और उनकी संपत्ति जाए। पप्पू यादव ने कहा कि राजीव नगर में बिना किसी चेतावनी के उस दिन लाठीचार्ज किस कानून के तहत किया गया जब सवेरे घर में महिलाएं सो रही थी, जहां कई बच्चे भी थे जिनके सपने को पल भर में छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं ये सवाल रखूंगा कि किसके ऑर्डर से आप लोगों ने लाठियां चलाई। इसको लेकर के हम कोर्ट में SP और DSP पर केस करेंगे। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करके उन्हें घायल किया गया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, अंतिम तक लड़ेंगे। पप्पू यादव ने मांग की है कि सारे अफसरों से पैसे वसूल करके पीड़ितों को दिया जाए जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है। पप्पू यादव ने आखिरी तक लड़ाई जारी रखने की बात कही है। साथ ही पप्पू यादव ने कहा है कि PM मोदी का घेराव करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा पर PM मोदी का घेराव करने की तैयारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू की शिक्षकों की भर्ती की 6ठे चरण की प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। 30 जुलाई तक बिहार के सरकारी स्कूलों के टीचरों की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जब बिहार के सरकारी स्कूलों को 32,000 नए शिक्षक मिलेंगे। जब बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2019 को 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की थी, लेकिन इस भर्ती में कई अड़चने आ रही थी। लगभग 10 से 12 बार नियुक्ति के लिए शेड्यूल बदला है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने कहा है कि तैयारी को लेकर के सघन मॉनिटरिंग चल रही है। जो ज्वाइनिंग लेटर देने को लेकर के पहले से ही नोटिस जारी कर दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बेर का पेड़ आम तौर पर हर जगह दिख जाता है, लेकिन बिहार के सारण जिले में बेर का ये पेड़ खास है। यहाँ फल और पत्ते से अधिक कपड़े दिखते हैं। साड़ी, शर्ट, पैंट, गमछा, मवेशियों की रस्सी आदि से ये पेड़ लदा हुआ है। सैकड़ों की संख्या में कपड़े टंगे हुए हैं। मान्यता है कि बेर का ये पेड़ बिचड़ों को अपने से मिलाता है। यहाँ न केवल इंसान बल्कि पशुओं के गुम होने पर भी लोग पहुँचते हैं। हर धर्म समुदाय के लोग यहाँ आते हैं, वे मन्नत मांगते हैं। लोगों का कहना है कि मन्नतें पूरी होने की वजह से इस पेड़ के प्रति काफ़ी आस्था है। यही कारण है कि बिहार के कई जिलों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं। सारण जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मरोड़ा प्रखंड के ओलहनपुर पंचायत में बेर का ये पेड़ है। जब बेर के पेड़ की वजह से इस स्थान का नाम बेरिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। जब सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि कई राज्यों के लोग यहाँ पहुँचते हैं, वह इस पेड़ पर बिछड़े लोगों के कपड़े टांग देते हैं। अगर कोई मवेशी गुम हो गया तो फिर उसकी रस्सी को टांग कर चले जाते हैं। यहाँ कपड़े और रस्सी टांगने वालों को गुमशुदा या फिर बिछड़े मिल गए, इसका कारण उसके प्रति विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ बिहार के कई जिलों के अलावा गुजरात, असम, UP तक के लोग दशकों से आते जाते हैं। जिनके अपने बिछड़े होते हैं वे उनके बदन से उतरे पुराने कपड़े डाल जाते हैं। जिनके अपने बिछड़े या फिर गुमशुदा लोग मिल जाते हैं तो वे मिठाई चढ़ाते हैं। स्थानीय कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि उनके देखते देखते कई पेड़ पौधे खत्म हो गए, जब कई आंधी तूफानों में धराशाही हो गए, लेकिन बेर का ये पेड़ जस का तस है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी कहानियां है, बल्कि पेड़ों पर टंगे ना जाने कितने कपड़े आंधियों में उड़ गए, इसके बावजूद भी आज भी इस पेड़ पर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के कपड़े टांगे हुए हैं। जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्थान पर जाति और मजहब का कोई भेदभाव नहीं है। जहाँ सभी जाति और धर्मों के लोगों के लिए ये पेड़ आस्था का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाई स्कूल और प्लस टू की शिक्षकों की भर्ती की 6ठे चरण की प्रक्रिया अब समाप्त हो जाएगी। 30 जुलाई तक बिहार के सरकारी स्कूलों की टीचरों की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। जब बिहार के सरकारी स्कूलों को 32,000 नए शिक्षक मिलेंगे। बिहार सरकार ने 1 जुलाई 2019 को 6ठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन इस भर्ती में कई अड़चने आ रही थी। जहाँ लगभग 10 से 12 बार नियुक्ति के लिए शेड्यूल बदला है। इस बारे में शिक्षा विभाग ने कहा है कि तैयारी को लेकर के सघन मॉनिटरिंग चल रही है। ज्वाइनिंग लेटर देने को लेकर के पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार का मामला सामने आया है। जहां बिहार के बघा के रामनगर में दो बच्चे चमकी बुखार की पुष्टि हुई है। जहां बच्चों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। जहां स्थिति बिगड़ने के बाद बच्चे को बेहतर इलाज के लिए बेतिया के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर बच्चे के इलाज में जुटे हैं। जब परिवार वालों ने बताया है कि गुरुवार की शाम बच्चे को तेज बुखार आया, जब इसके थोड़ी ही देर बाद दस्त होने लगा। देखते ही देखते बच्चे की हालात ख़राब होने लगी। परिवार वालों ने स्थिति को देखते हुए बच्चे को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर एच उड़िया चौबे ने बच्चे में चमकी बुखार होने की पुष्टि की। इसके बाद बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों में एक की पहचान 1.5 साल की सलोनी कुमारी और दूसरे की बच्चे की पहचान 4 वर्षीय शिवम कुमार के रूप में हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद दिखने वाली है। दरअसल बकरीद के त्यौहार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे को देखते हुए राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने की तैयारी है। 10 जुलाई को बकरीद है, इसलिए प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। राजधानी पटना के चप्पे चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा रहने वाला है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 282 जगहों पर मजिस्ट्रेट तैनात करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को पटना पहुंचने वाले हैं, लिहाजा बकरीद के बाद भी पटना में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहेगी। यहां SPG शुक्रवार को पटना पहुंच जाएगी। पटना के इलाकों को SPG अपने निगरानी मिलेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूरत ना चाहो दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।